हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंह से आने वाली गंदी बदबू। कभी आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। दोस्तों असल में ये बदबू क्यों आती है, और उस समय आप यह भी कहने लग जाते हैं, नहीं नहीं मैंने तो मुंह साफ किया है, मेरे मुंह से कहाँ बदबू आ रही, मेरा तो मुंह साफ है। असल में मुंह साफ होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बदबू आती है इस कारण से जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, या फिर आपके मुंह में बनने वाले लार जो कि नहीं बनने के कारण होता है और बदबू आने लगती है, और आपसे कई लोग बात करने में कतराते हैं, आपके मुंह के सामने खड़े होकर के बात नहीं कर पाते हैं। और कई लोग तो मुंह फट्टू भी होते हैं, वो आपके मुंह पे कह देते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। इन सभी बातों को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होता होगा, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती होगी। तो इन नुस्खों के द्वारा आप अपने मुंह के बदबू को दूर कर सकते हैं, आपके सांसों से आने वाले बदबू को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो होता है कि पानी का स्तर अपने शरीर में बना करके रखें। मुंह में थोड़ा पानी ले लीजिए, हल्का कुल्ला कर लीजिए, या फिर पानी को पी जाइए या थूक दीजिए। शरीर में जल का स्तर जब असंतुलित होता है तब सांसों की ताजगी खत्म हो जाती है और हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए जल का स्तर हमें अपने शरीर के अंदर बनाए रखना चाहिए जिससे कि हमारे मुंह से बदबू न आए। दूसरा कारण है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण भी हमारे मुंह से बदबू आती है। इसे दूर करने के लिए जैसे कि संतरा, नींबू के प्रजाति के अन्य मीठे फल, नींबू, सभी रसों का स्वाद और रस लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है तथा हम विटामिन सी से होने वाले कई रोगों से बच जाते हैं तथा जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ जाती है। तीसरा कारण है सेब। जब हम सेब को काट करके खाते हैं तो हमारे मुंह में लार का स्राव तेजी से होने लगता है। इससे हमारे मुंह की एक तरफ से सफाई हो जाती है और सारे जीवाणु निकल जाते हैं। इसके बाद हमारे सांसों में बदबू नहीं आती है और हम ताजगी और फ्रेश महसूस करते हैं। चौथा कारण है कि दालचीनी, जो कि हमारे रसोई घर में आमतौर पर पाया जाता है। यदि दालचीनी को चाय के साथ मिला करके अगर लिया जाए तो इससे हमारे मुंह से आने वाली बदबू खत्म हो जाती है तथा हम ताजगी और फ्रेश महसूस करते हैं। और फिर वही लोग जो लोग आपको कहते हैं कि आपके मुंह से बदबू आती है, वे लोग आपसे खुल करके बात कर पाते हैं और आप भी कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी मुंह को साफ रखने के कुछ तरीके तथा सांसों से आने वाली बदबू को कैसे रोका जाए। तो इन चीजों को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।